आज हम ह्यूमिडिफायर का कनेक्शन यूनिटल के केस में ह्यूमिडिफायर चेंबर के साथ जो ह्यूमिडिफायर सर्किट हम लगाते हैं वो किस तरीके से कनेक्ट करेंगे वो हम देखेंगे। ये अपना फ्लैक्सी केयर का ह्यूमिडिफायर है, इसमें आप देख सकते हैं ये ह्यूमिडिफायर का चेंबर है। ये चेंबर इस तरीके से आप पुल करके बाहर की तरफ निकाल सकते हैं। ये चेंबर को हल्का सा इस तरीके से पुश करेंगे और अंदर की तरफ डालेंगे तो ये चेंबर हमारा अंदर चला जाएगा। चेंबर हमारा फिट हो चुका है। ये चेंबर का बेस है जो हीट होता है जिससे हमारा ह्यूमिडिटी मेंटेन होता है। ये अपना दो कनेक्शंस है, ये देख सकते हैं। ये अपना ना इसमें ये डालने के लिए डिस्टिल वाटर डालने के लिए है। डिस्टिल वाटर को यहाँ से आप कनेक्ट करके डिस्टिल वाटर को इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं वाटर मैक्सिमम और मिनिमम का जो लेवल है वो मेंटेन करने के लिए है। ये मैक्स लेवल देख रहे हैं, इससे ज़्यादा इसमें डिस्टिल वाटर हम नहीं रखेंगे, फ्लूइड नहीं रखेंगे। ये अपना लॉक करने का है। जब हमारा वाटर रखा हो जाएगा तो ये पाथ हमें क्लोज करना रहता है, तो इसको इस तरीके से प्रेस करके हम पाथ क्लोज कर देंगे, तभी हमारा इधर का कनेक्शन हो जाएगा। उसके बाद हम इधर देखेंगे जो हमारा ये ह्यूमिडिफायर चेंबर है, इस चेंबर में पहले इंस्पिरेटरी से एक पेशेंट सर्किट आके पहले ये चेंबर में लग जाएगा। अब चेंबर का जो आउटपुट है, चेंबर का आउटपुट वो ये चेंबर के लिए इनपुट हो गया, ये चेंबर का आउटपुट जो है वो पेशेंट के वाइस पीस के पास चला जाएगा। जैसे आप देख सकते होंगे ये पेशेंट के वाइस पीस के पास ये आ जाएगा। ये पेशेंट वाइस पीस है जिससे आप ईटी ट्यूब के थ्रू पेशेंट को इंट्यूबेट कर सकते हैं। अब जो ये एक्सपिरेटरी है, ये एक्सपिरेटरी के वाटर ट्रैप के थ्रू यहाँ आके अपने मशीन में लग जाएगा, जहाँ पर हम अपना HME फिल्टर या बैक्टीरियल फिल्टर जो भी लगाना चाहते हैं वो लगाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हीटेड वायर के लिए कनेक्शन है, यानी हीटेड वायर के लिए जो पावर सप्लाई चाहिए होता है वो यहाँ से हम देखेंगे। यहाँ हीटेड वायर का कनेक्शन है, यहाँ दे देंगे। चूँकि ये हमारा सिंगल हीटेड वायर सर्किट है तो हमारा सिर्फ इंस्पिरेटरी वाले में ये देख सकते हैं इसमें हीटेड वायर अंदर चला है जो कि टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। ये दूसरा वाला हमारा खाली रहेगा। जब हमारा डबल हीटेड वायर सर्किट रहेगा तो एक्सपिरेटरी में भी यहाँ पे एक्सपिरेटरी में ये यहाँ लगाने का ऑप्शन आएगा। उसके बाद ये सेंसर है अपना, ये सेंसर सेंस करेगा जो टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर अभी मेंटेन हो रहा है। उसके लिए पहले जो है ये जो ह्यूमिडिफायर का चेंबर का जो आउटपुट है उस आउटपुट के पास ये इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से कनेक्ट करने के बाद दूसरा वाला जो है वो हमारा इंस्पिरेटरी ट्यूब में लगेगा, जो यहाँ से सेंस करेगा टेम्परेचर कितना मेंटेन हो रहा है। उसके बाद ये मशीन अपना रेडी टू यूज़ है। यहाँ पे ये पावर ऑन करने का स्विच है, यहाँ से हम ये पावर ऑन करेंगे। पावर ऑन करने के साथ ही हमारा मशीन स्टार्ट हो जाएगा। यानी हमारा ह्यूमिडिफायर सर्किट अब लग गया है, रेडी टू यूज़ है। इसके साथ ही मशीन ऑन करके इस सर्किट को यूज कर सकते हैं। ये अपना ऑटो एडजस्टिंग टेम्परेचर है, यानी आप ये देख सकते हैं जिसमें का जो टेम्परेचर है वो ऑटो एडजस्टेड रहता है। यानी ये जो रीडिंग्स लेगा, ये सेंसर जो रीडिंग्स ले रहे हैं, इस रीडिंग्स के हिसाब से ये टेम्परेचर को ऑटो मेंटेन करेगा। हमें इसमें कुछ इंटरफेयर नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक है। इसके साथ ही अब हम पेशेंट को लगा के ये चीज़ें यूज कर सकते हैं।